हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। आज हम लेसन 7 का पार्ट 2 करेंगे बेटा। हमने हाफ चैप्टर पहले वीडियो में कर लिया था, अब ये सेकंड वीडियो है, इसमें बाकी का हाफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। हमारा लेसन 7 है गेटिंग फूड टू द टेबल। हमारा खाना फार्मर के फील्ड से लेकर हमारे टेबल तक कैसे पहुंचता है, खाने की क्या जर्नी है, वो सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारे खाने को हम तक पहुंचाने में फार्मर, डेयरी फार्मर, फिशरमैन और पोल्ट्री फार्मर, इन सबका एक बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हैं, जिन्हें की उसके बाद मार्केट में सेल किया जाता है, जहां से हम परचेज करते हैं। डेयरी फार्मर जो हैं वो पशुपालन करते हैं, मिल्क कैटल जो होते हैं उन्हें पालते हैं, उनका उनकी देखभाल करते हैं, उनका मिल्क कलेक्ट करके फिर वो पैस्चराइजेशन के लिए मिल्क प्लांट्स में भेजते हैं, और फिर वहां से वो हम लेकर आते हैं। कुछ जो मिल्क होता है उसका चीज और बटर बनाया जाता है, जो कि हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। फिशरमैन जो है, फिशरमैन फिशेस को कलेक्ट करते हैं और उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। दूर दूर तक के जो टाउन्स हैं वहां पर ट्रक्स में, मैंने आपको बताया था, जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं, यानी कि जिन जो ठंडक वाले ट्रक्स होते हैं जिनमें फ्रिजेस होते हैं, उनमें इन फिशेस को ले जाया जाता है और कुछ फिशेस को प्रोसेस कर साफ करके तैयार कर कैंस में पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। पोल्ट्री फार्मर जो हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, वो हेंस और डक्स के एग्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें पैक करके फिर मार्केट में बेचते हैं, और जो कुछ पार्ट होता है हेंस का वो चिकन के रूप में, यानी कि गोश्त की तरह, नॉन वेज खाते हैं जो, उस तरह खाया जाता है, उसे भी प्रोसेस करके कैंस में पैक कर या पैकेट्स में पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। ये जो सारा फूड है, ये अलग अलग तरीके से इसे पैक किया जाता है, जैसे कि पैकेट्स में, कैंस में, बॉटल्स में और कार्टन्स में। फिर इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरियस ट्रांसपोर्ट यूज करके भेजा जाता है। वहां से हम इन चीजों को खरीदते हैं, अपने घर लाते हैं, घर लाकर इन्हें पकाते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर हमारी मदर जो है हमें वो खाना खाने के लिए देते हैं। इतना हमने अपने फर्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में बेटा स्टडी किया था। हमारा अब आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि जो फार्मर जो फसल उगाता है, किसान जो फसल उगाता है, उस फसल को उगाने के क्या क्या स्टेप्स हैं, वो क्या क्या करता है। सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 30 बेटा, एंड बी केयरफुल, लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर। पेज नंबर 30। अ फार्मर हु ग्रोज फूड फॉर अस वर्क्स वेरी हार्ड इंडीड। वास्तव में, एक्चुअली में, जो फार्मर हमारे लिए खाना उगाता है वो बहुत ज्यादा सख्त काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ही प्लोज द सॉइल इन हिज फील्ड यूजिंग अ प्लो। प्लो क्या होता है? हल। जैसा कि आप देखिए इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं ये फार्मर है, ये इसके एनिमल्स हैं जिनकी हेल्प से ये अपने फील्ड में काम कर रहा है, और ये जो है ये हल है। फार्मर जो है एक हल की मदद से अब उसकी जो मिट्टी होती है खेत की, उसकी जुताई करता है, उसे ठीक करता है, उसे इवन करता है। ही में इवन यूज अ ट्रैक्टर। कुछ फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स होते हैं, वो ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, बाकी फार्मर जो हैं वो हल और एनिमल्स को यूज करते हैं। उसके बाद देन ही डिस्पर्सेस सीड्स इन द प्लोड फील्ड।
उसके बाद उसका जो जुताई हुआ हुआ प्लॉट होता है, जो जोता हुआ उसका खेत है, वहां पर वो जो सीड्स हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें डिस्पर्स करता है, बीजों को बिखेरता है. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फार्मर जो है ये देखिए बेटा सीड्स को बिखेर रहा है. और ये देखो जब एक फील्ड को जोता जाता है, प्लो किया जाता है, उस टाइम ये ऐसे लाइंस हो जाती हैं ताकि इनमें आराम से बीज डाले जा सके. Now let us come on page number 31. He irrigates the field and soon the seedlings appear. खेतों में बीज डालने के बाद, सीड्स डालने के बाद, वो जो फील्ड है, जो खेत है उसका, उसकी सिंचाई करता है. सिंचाई कैसे करते हैं? डेली पानी देते हैं फील्ड में, और सून यानी कि बहुत ही जल्दी सीडलिंग यानी कि छोटे कोमल पौधे, देखिए बेटा इस पिक्चर में दिख रहा है आपको जो खेत है उसमें ऐसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिन्हें बेबी प्लांट भी बोलते हैं, वो दिखने लग जाते हैं. ही यूजेस वाटर एंड फर्टिलाइजर्स टू हेल्प द सीडलिंग्स ग्रो. अब ये जो बेबी प्लांट हैं, जो छोटे कोमल पौधे हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए, इनको और ज्यादा, ताकि ये ज्यादा बड़े हो सके, इनकी ग्रोथ के लिए फार्मर क्या यूज करता है? वाटर और फर्टिलाइजर, पानी और खाद. फर्टिलाइजर में खाद आते हैं, इन्हें उर्वरक भी बोलते हैं. आजकल तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है ताकि जो फसल है वो बढ़ सके. आगे देखिए, when the crops are ripened, the farmer removes unwanted plants called weeds growing in the field. जब ये फसल पक जाती है, ripened होता है पकना, जब ये फसल पक जाती है उस टाइम पर फार्मर क्या करता है? उस टाइम पर फार्मर अनवांटेड प्लांट्स यानी कि जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं फील्ड में, खेतों में अनचाहे पौधे उग जाते हैं जिन्हें कि उगाया नहीं जाता, उन्हें वीड्स बोलते हैं. किसान उन वीड्स को हटाता है. ही यूजेस पेस्टिसाइड्स टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट अटैक्स. फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाइयां, जो कीड़े हो जाते हैं फसल में, उन कीड़ों को हटाने के लिए कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं, अपनी फसल को कीड़ों के अटैक से, कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए किसान जो है वो कीटनाशक दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं. ये देखिए फार्मर जो है ये क्या कर रहा है, ये वीड्स हटा रहा है, जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं अपने आप, उन्हें हटाकर और फिर ये अपनी फसल में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है. वो स्प्रे भी हो जाते हैं और वो बिखेरे भी जाते हैं. इसके बाद का क्या स्टेप है बेटा? द राइपन्ड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड मींस कट एंड पैक्ड इन लार्ज जूट सैक्स. अब जो राइपन क्रॉप है यानी कि जो फसी हुई कट जो सॉरी बेटा जो पकी हुई फसल है उसे हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि उसकी कटाई की जाती है और उसे बड़े बड़े जूट के बैग्स में या थैलों में भरा जाता है. दे आर लोडेड ऑन ट्रैक्टर्स ट्रेलर्स एंड ट्रक्स एंड सेंट टू द अनाज मंडी फूड ग्रेन मार्केट फॉर सेल. उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी क्रॉप है जिसे कि बैग्स में भरा है, इसे ट्रैक्टर्स में या ट्रक्स में भरकर
अनाज मंडी में बेचने के लिए ले जाया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये फार्मर जो है देखिए ये पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, इसके बाद इस फसल की कटाई की जाएगी। नेक्स्ट इज वी बाय फूड ग्रेन फ्रॉम द शॉप्स, कुक एंड ईट देम। अब ये जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? अनाज। अब इन अनाज को हम दुकानों से खरीदते हैं, इन्हें कुक करते हैं, इन्हें पकाते हैं और फिर इन्हें खाते हैं। द सेम प्रोसेस happens with fruits and vegetables. यही प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? यानी कि पहले खेतों को जोता जाता है, खेतों की प्लोइंग की जाती है, उसके बाद उनमें सीड्स डाले जाते हैं, जब उनमें सीडलिंग्स आ जाते हैं, छोटे पौधे उग जाते हैं, उसके बाद उनमें पानी और खाद से उन्हें उनको इरिगेट किया जाता है, अनचाहे पौधे निकाले जाते हैं बेटा उसमें से, और उनमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं ताकि जो कीड़े हैं वो फसल को खराब ना करें। जब वो फसल पक जाती है उसे काटा जाता है फसल को, और फिर बड़े बड़े बैग्स में उन्हें इकट्ठा कर उन्हें स्टोर कर ले जाया जाता है ट्रक्स में या ट्रैक्टर्स में या ट्रेलर्स में, और उन्हें अपनी अनाज मंडी में या अब ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इन्हें वेजिटेबल मार्केट में बेच दिया जाता है। यही प्रोसेस है सेम फूड ग्रेन्स के लिए भी, अनाज के लिए भी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए भी। ये देखिए इन द पिक्चर यू कैन सी इजीली कि ये जो बैग्स हैं इन्हें ट्रक में रखा जा रहा है। देखिए बेटा, ह्यूज सैक्स ऑफ फूड आर परचेस्ड बाय द होलसेल मर्चेंट्स एंड आर रीसेल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू स्मॉल शॉप्स। अब ये जो खाने के इतनी बड़ी बड़ी जो बोरियां मैंने आपको बताया अभी भी ट्रक्स में ले जाए जाते हैं, अब ये जो इतना बल्क में सामान होता है जो होलसेल मर्चेंट होते हैं, यानी कि जो होलसेल व्यापारी होते हैं जो कि इकट्ठा सामान लेते हैं, इकट्ठा खरीदते हैं, वो इन बड़े बड़े ट्रक्स को खरीद लेते हैं और उसके बाद इस सामान को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी दुकान वालों को बेच देते हैं। रीसेल्ड मतलब बेच। समझ आ गई है अब आपको बेटा ये लाइन? जो ये अब ये बल्क में सामान होता है, जो बहुत सारा सामान है, जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान होता है, उसे जो होलसेल व्यापारी हैं वो खरीद लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये सामान छोटी दुकानों वालों को बेचते हैं। देखिए यू कैन सी होलसेल की शॉप दिखाई हुई है, ये देखो कितने सारे सैक्स रखे हुए, बोरियां रखी हुई है सामान की, और ये शॉपकीपर है और ये उनका हेल्पर है। Our next topic is now spices, यानी कि मसाले। आपने क्लास थ्री में भी रीड किए हैं स्पाइसेस, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि स्पाइसेस क्या होते हैं। स्पाइसेस मसाले होते हैं जो कि हम अपने फूड में डालते हैं, अपने खाने में डालते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, यही टॉपिक आज थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगी बेटा। स्पाइसेस हैव डिफरेंट स्मेल्स एंड टेस्ट। मसाले जो हैं, मसालों की हर मसाले की अलग अलग स्मेल होती है, अलग अलग खुशबू होती है और अलग अलग टेस्ट होता है। इट इज एन इंग्रीडियंट, ध्यान से सुनिए, दैट गिव्स टेस्ट एंड वंडरफुल स्मेल टू आर फूड। मसाले जो हैं ये हमारे खाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंश है, बहुत इम्पोर्टेंट भाग है जो कि हमारे खाने को बहुत अच्छा स्वाद और बहुत अच्छी स्मेल देता है। केरला, आपको पता है केरला एक राज्य का नाम है। केरला
अ स्टेट इन साउथ इंडिया प्रोड्यूस मैनी स्पाइसेस। साउथ इंडिया में जो केरला स्टेट है वहां पर बहुत सारे मसाले जो हैं वो उगाए जाते हैं। देखिए भी पिक्चर दी हुई आपको यहाँ पर स्पाइसेस की, ये क्या है जिंजर, इन हिंदी अदरक। ये क्या है बेटा आप सब यूज करते हैं घर पे सारे मसाले, ब्लैक पेपर काली मिर्च। ये देखिए क्लव्स मींस लौंग। ये क्या है बेटा कार्डमम यानी इलायची, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ये क्या है सिनेमन, सिनेमन क्या होता है दाल चीनी। कम ऑन नेक्स्ट पेज नाउ। डू यू नो व्हाट गरम मसाला इज, क्या आपको पता है गरम मसाला क्या होता है? आप सब यूज करते होंगे अपने घर में, अपनी मम्मी को पूछना बेटा, ज्यादातर फैमिलीज में गरम मसाला यूज होता है। अब होता क्या है गरम मसाला, आइए वो पढ़ते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड स्पाइसेस इन सम स्पेसिफिक अमाउंट्स। क्या होता है गरम मसाला, ये एक मिक्सचर है यानी कि ये एक मिश्रण होता है पीसे हुए मसालों का, पाउडर्ड यानी कि पीसे हुए मसालों का, जिन्हें की बहुत ही विशेष मात्रा में, स्पेसिफिक होता है विशेष, जिन्हें की बहुत विशेष एक बंधी हुई मात्रा भी इसमें मिश्रण जो है इसमें अलग अलग स्पाइसेस को यूज करते हैं अलग अलग मसालों को, और हर मसाले की अपनी मात्रा है, निर्धारित मात्रा होती है कि ये इतना लेना है वो उतना लेना है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मसाला कितना भी कम या ज्यादा डाल दो, नहीं, एक स्पेसिफिक एक विशेष अमाउंट होता है इसका कि जितने भी गर्म मसाले के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने भी मसाले गर्म मसाला में डलते हैं वो सब निर्धारित होते हैं कि क्या कितनी मात्रा में डलेगा। इट इज एडेड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फूड प्रिपरेशन, ज्यादातर जितना भी हमारे इंडियन फूड की प्रिपरेशन होती हैं, यानी कि हमारा जो खाना है इंडियन फूड, हम जो खाना खाते हैं इंडियन, हम भारतीय जो, हमें हमारा जितना भी खाना बनता है गरम मसाला ज्यादातर हर खाने में डलता है। इट इज यूज्ड टू मेक फूड टेस्टी, ये खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्पाइसेस क्यों यूज करते हैं, स्पाइसेस में अलग अलग खुशबू होती है अलग अलग स्वाद होता है, ये हमारे खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जो कि हमारे खाने को बहुत अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा स्वाद और बहुत अच्छी खुशबू देता है। इंडिया में केरला में सबसे ज्यादा स्पाइसेस बहुत सारी मात्रा में बहुत अलग अलग स्पाइसेस जो है वो उगाए जाते हैं, और बहुत सारे मसाले हैं जो आप यूज करते हैं। आप एक बार आप किचन में वीडियो के बाद अपनी मदर से पूछना कि मम्मी हम कौन कौन से मसाले यूज करते हैं, अप्रोक्स 10-15 मसाले आपकी मम्मी आपको बता देंगी अलग अलग जो यूज करते हैं। बहुत कॉमन कॉमन मसाले होते हैं सॉल्ट पेपर टर्मरिक चिली, ये सारे हमने क्लास 3 में भी रीड किए थे। इन्हीं स्पाइसेस के बारे में हम जब और आगे अपना कोई हमारा सेशन होगा इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनमें मैं और डिटेल में आपको ये अलग अलग स्पाइसेस के नेम्स लिखवाऊंगी। बेटा आई होप कि आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये सारे मीनिंग्स जो हैं आपके आप अपने बुक में राइट डाउन करोगे पेंसिल से, डोंट यूज पेन, पेंसिल से इन सारे हिंदी मीनिंग्स को आप लिखेंगे, और जो आपको साथ में इसमें वर्क दिया जाएगा अपनी FNB में आप अच्छी राइटिंग में उस वर्क को करेंगे। ओके बेटा थैंक यू।